तो आज अपने लिए करना है कुछ कल्टीवेशन, वो करेंगे अपन। डाल रहा हूँ डीजल, कल रात में सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ। अभी बन जा रहा है कल्टीवेटर खोलने के लिए, कल्टीवेटर खोल देते हैं और बेड प्लांटर अटैच करते हैं। बेड वाली चीज दिन नीम को डरो, हम उनसे पूछ ले नीम को करो। फिलहाल अपन आए थे कल्टीवेटर खोलने के लिए, तो उसमें से कल्टीवेटर खोल दिया है, जो अपना 5 टन वाला कल्टीवेटर वो फंसा देते हैं और उसको भजा देते हैं काम पे। और इसमें अपन फंसा रहे हैं बेड प्लांटर, और आज इसको अभी ये देखो 2 बेड बनाता है, अब इसको 3 बेड वाला बनाना है क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचे बेड नहीं बना रहा। हाँ उठा, कौन उठ रहा है पीएल है बताओ, कौन उठ रहा है? लो जी सर, ये बेड प्लांटर रेडी हो गया है। इसको भाई 50 से 100 बार खोल लिया है मुकेश भाई ने, और मेरा वो अलग है, मैंने भी 50 से 100 बार खोला होगा। तो अपन ने इसको 4-5 बार फिर अभी खोला है, बेड को आंग किया पीछे किया, एक साले बहुत गरा है, इनको आंग किया पीछे किया। चलो ठीक है बन गया, फटाफट से इसको टेस्टिंग के लिए लेके चलते हैं। उसके बाद से आज दोपहर तक इसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद बग डन जब तो खोल नहीं पा रहा कूण बीच को फावड़े की मिनट लगे हैं ऐसे। चलो जी सर इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई मुकेश भाई को चाय पीने का तक टाइम नहीं है, चाय पियो भाई फैनो, ये मोदी के बहुत बड़े फैन है। चाय में कुछ गिर गया था, हमें प्यार ना अकेले अकेले पी रहे थे। चाय में गिर गया कि डाल डाउन बेड प्लांटर सीम्स टू बी रेडी। ये देखो इस टाइप के बेड बना रहा है, चलो बढ़िया है, इसको बजा देते हैं। मुझे जाना खेत जहाँ पे कल अपने मक्के की बोनी की है, वहाँ नाजे लगवानी है। तो भाई प्लांटर निकल गया है और अभी अपने से फसवा रहे हैं सीडल, और जो सुराज है वो चला रहा है कल्टीवेटर खुला दे। रवान चुप रोक के इसमें प्लांटर फसवा दिया है, और अब अपन जा रहे हैं सुराज को देखने के लिए। हम आ रहे हैं। तो भाई फिलहाल अपन आए थे अपने नॉर्थ फार्म, और आज अपन काफ़ी दिनों बाद अपने नॉर्थ फार्म पे आए हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लिस्टेड फार्म, तो यहाँ पे आना जाना थोड़ा कम ही रहता है। और फिलहाल अपन जा रहे हैं घर पे, जिस जॉन डियर में अभी अपन ने सीडल फंसाई है उसकी कुछ सेटिंग नहीं आ रही है, तो उन्होंने फ़ोन लगा के बोला, वो अपने भैया ही हैं जिनका वो जॉन डियर है, बढ़िया। तो चलो उसकी सेटिंग बनवा के आते हैं। उसमें साइड से जो बीज है वो कुछ घटना कर रहा है, पास पास में कर रहा है, उसकी चेन शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो चलो वो करके आते हैं। तो अपन वापस आ गए हैं
चैन पलटवा दी है अपन ने। और भाई ये जो भूसा के पैचेस हैं, एक ये है, एक वो है, एक वो है, एक वो है, ये चार पैचेस हैं भूसा के, मसूर का भूसा है। तो इधर अपने लिए यूरिया डालना पड़ेगा, समथिंग 1 किलो के समथिंग यूरिया डाल देंगे जितने भी पैचेस हैं। तो उससे क्या होगा कि जो फसल कमज़ोर हो जाती है वो कमज़ोर नहीं होगी, उसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूँ। भूसों के ढेर पे यूरिया डालने की जो प्रोसेस है उसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि जो ये है भूसा, ये है कार्बन, ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन कंटेंट है। तो जहाँ पे भी कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो नाइट्रोजन को खा लेते हैं कार्बन पदार्थ के साथ और उसको डिकम्पोज करके खाद बना देते हैं। तो कार्बन जो यूरिया है वो रहता तो नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन है वो रहता तो वहीं पे है लेकिन कुछ समय के लिए वहाँ पे कमी हो जाती है। तो जब आप फसल की बुआई करो तो जो भी आपके भूसे के ढेर हैं उनमें 1-1 किलो यूरिया फेंकवा दिया करो, थोड़ा और कम भी फेंक दोगे तो चलेगा, 1 किलो तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा और कम 250 से 500 ग्राम आप वहाँ पे ऐसे छटकवा सकते हो थोड़ा थोड़ा, ताकि वहाँ की यूरिया की पूर्ति हो जाए। और अब मुझे जाना है 47-10 ट्रैक्टर लेके जो बेड प्लांटर है अपना वहाँ पे, क्योंकि जो मैसी है उसकी जो टॉप लिंक है वो बहुत लंबी है तो वो जो सीडल का चक्का है वो घूम नहीं रहा है, तो ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रैक्टर लेके चलते हैं 47-10, और मेरे हिसाब से 47-10 बेड प्लांटर बहुत अच्छे चलाएगा। पहले इस ड्राइवर को घर पर छोड़ देते हैं, फिर घर पर चलेंगे, घर पर से 47-10 उठाएँगे, 47-10 लेके चलेंगे जहाँ पर भी वो चल रहा है और फिर मैसी लेके आएंगे। पहुंच गए हैं, सीडल के चक्के में बेड नहीं चल रही है क्योंकि वो घूम नहीं रहा था। अब ट्रैक्टर एक्सचेंज कर लेते हैं और वापस चलते हैं घर पे। तो अपन ने इसकी साइज बढ़वाई है, वो टूट गया, पत्ता टूट गया, वो पत्ता टूट गया पूरा। तो चलते हैं भाई घर पे। भाई वहां पे चल रहा है सुराज, अपन मैच घर पे लेके आ गए हैं और वो वहां पे चल रहा है सीडल। अपन सीडल को देखने के लिए जा रहे हैं, बोल रहा है कि थोड़ा घना बीज गिर रहा है, चलो देख के आते हैं। बात तो